ईद कैसे मनाएं, ईद के दिन और उसके पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, आज बात इसी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्यौहार लॉकडाउन के दौरान पर पड़ रहा है। मुस्लिम धर्म के जानकार मुफ्ती मुबारक हुसैन से ईद को लेकर हमने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। पूरी दुनिया सहित आपको इस बार ईद कैसे मनानी है। अलविदा अलविदा माहे रमजान अलविदा। जी हाँ, आप लोग अलविदा जुमे की नमाज पढ़ चुके हैं। लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना का पूरे देश में संकट व्याप्त है। घरों में रमज़ान के रोज़े, तरावी, सब कुछ, रमज़ान का पूरा महीना मुसलमानों ने घर में बिताया। ईद कब है, ईद में क्या करना चाहिए, इसके लिए हम एक बार फिर से आ पहुँच चुके हैं मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती मुबारक हुसैन से। आज हम इसी बारे में बातचीत करेंगे। हमारा पहला सवाल, ईद के पहले मुसलमानों को क्या तैयारी करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि ईद कब होगी, तो मैं आपको बता दूं कि आज 23 मई को मगरिब के वक्त चाँद नज़र आ जाता है, तो ईदुलफ़ितर का त्यौहार जो है वो 24 मई बरोज़ इतवार मनाया जाएगा। और अगर आज चाँद नज़र नहीं आता है तो 25 मई को सोमवार के दिन ईदुलफ़ितर का त्यौहार होगा। दूसरी बात कि मौजूदा हालात जो कि सभी को मालूम है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का चौथा जो चरण है उसका ऐलान हो चुका है। 31 मई तक उसकी तारीख शासन प्रशासन की तरफ से बढ़ा दी गई है और ये सभी को पता है। ऐसे हाल में अब ईदुलफ़ितर का जो एक सबसे बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का, जो साल भर में एक बार आता है, उस त्यौहार को कैसे मनाया जाए, क्या किया जाए, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछले सालों की तरह इस साल भी आप ईद की खुशियां मनाएं। किस तरह से, आप सुबह सवेरे उठें, रोज़ाना की तरह फजर की नमाज़ अदा करें, गुस्ल करें, खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करें, अच्छे कपड़े जो घर में आपके हों साफ़ सुथरे, नया कपड़ा ज़रूरी नहीं है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि नया कपड़ा और शॉपिंग करने की आपको ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आपके घर में जो साफ़ सुथरा कपड़ा हो, लिबास हो, आप उसी को पहने, उसको पहनिए, बच्चों के साथ खुशियां मनाइए, घरों में तकबीर तशरीक का विर्द करिए। अगर अभी तक आपने सदक़े फ़ित्र, जिसकी कीमत इस साल 45 रुपये रखी गई है, अगर आपने नहीं अदा की है तो उसको ईद के दिन अदा करिए। उसके बाद घरों से बाहर ना निकलें, बल्कि घरों में ही, क्योंकि ईदुलफ़ितर की नमाज़ जो मस्जिदों में होगी वहाँ हुकूमत की जानिब से जितने लोगों को इजाज़त है, तकरीबन 4 या 5 लोग इमाम के साथ, वो लोग नमाज़ पढ़ेंगे, जिसका वक्त सुबह 8 बजे रखा गया है। 8 बजे की नमाज़ हो जाने के बाद अपने अपने घरों पर ही रहकर चाश्त की 2 रकात या 4 रकात नमाज़ आप अदा करें, और उसको ये ना समझें कि ईद की ये कज़ा है, इसलिए कि ईद की नमाज़ वाजिब है, उसकी कोई कज़ा नहीं है। बल्कि हदीस के मुताबिक ये अल्फाज मिलते हैं कि अगर जो शख्स मजबूरी की वजह से या उज्र की वजह से नमाज ईद अदा ना कर सके तो वो अपने घर पर ही चाश्त की 2 या 4 रकात नमाज अदा कर ले। तो चूंकि ये एक उज्र है हमारे लिए, और आप इस उज्र की बुनियाद पर जो लोग, जो हमारे भाई नमाज नहीं पढ़ पाएंगे वो गुनाहगार नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके दिल में सच्ची नीयत है, तो इस नीयत के सदके में आपको ईद की नमाज और ईद का सवाब ज़रूर मिलेगा। यहाँ एक सवाल बनता है, सवाल यह है कि जैसा भी आपने बताया चाश्त की नमाज, चाश्त की नमाज पढ़ें, चाश्त की नमाज की आप हमारे दर्शकों को नीयत बताइए, साथ ही यह बताइए कि घरों में जो लोग जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं ईद की, उसका क्या हुक्म है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जुमा और ईदैन की नमाज़ के लिए जो शराइत हैं वो इस वक्त पाए नहीं जा रहे हैं। घरों में जमात कायम करना, नमाज़ पढ़ना, ये शराइत के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लिहाजा घरों में किसी के यहाँ भी या मस्जिदों में ज़बरदस्ती करना जाना ये कतअन मुनासिब नहीं है। अपने अपने घरों में ही नफिल चाश्त की नमाज़ अदा करें। आपने कहा कि चाश्त की नमाज़ कैसे अदा की जाए, उसका तरीका ये है कि आप नियत करेंगे आम नमाज़ों की तरह, नियत की मैंने 2 रकात या 4 रकात नमाज नफिल चाश्त वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप पूरी नमाज जैसे कि आम नमाज़ें पढ़ते हैं उसी तरह अदा करेंगे। चारों रकातों में आपको सूरह पढ़नी है, सूरह मिलानी है,
उसके बाद नमाज के बाद आप 34 मरतबा अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ें, इसकी बहुत ही फजीलत आई है। और उस तस्बीह के बाद सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाह अलअज़ीम, इसकी तस्बीह अगर पढ़ सकें तो 300 मरतबा इसको भी पढ़ें। इसके साथ ही साथ ईद के दिन अक्सर ये होता है कि सभी मुसलमान भाई अपने मरहूमीन यानी कब्रिस्तान जाते हैं उनसे मुलाकात के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए। जो हालात सामने हमारे हैं ये कतान हमें इजाज़त नहीं देते हैं कि हम अपने घरों से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ इकट्ठी करें, बाहर जाएं। लिहाजा आप लोग अपने घरों में जब नमाज़ अदा कर लेंगे चाश्त की, उसके बाद तस्बीह पढ़ लेंगे, उसी जगह बैठे हुए ही आप जो कुछ आप पढ़ सकें, कुरान की तिलावत, दुरूद पाक का विर्द, जो जिक्र अस्कार कर सकें वो करिए, और अपने मरहूमीन को उसी जगह बैठे बैठे इसाले सवाब करिए। एक सवाल और भी है, वो महिलाएँ अमूमन ईद की नमाज़ महिलाएं घर में पढ़ती हैं तो कैसे पढ़ें, एक बार ज़रा फिर से बता दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जुमा और ईदैन की नमाज़ वो औरतों पर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ये नमाज़ मर्दों पर वाजिब है। औरतें अपने घरों में अगर पढ़ना चाहें तो वो यही 2 रकात या 4 रकात नफिल शुक्राने के तौर पर अदा कर सकती हैं। ये थे हमारे साथ मुफ्ती मुबारक हुसैन, जिन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताया ईद की नमाज़ कैसे पढ़ना है, ईद के दिन क्या करना है, ईद के दिन के पहले क्या तैयारी करनी है, और नमाज़ के बाद आप कब्रिस्तान जाया करते थे, अब आपको कब्रिस्तान ना जाके घर में किस तरीके से अपने मरहूम को याद करना है, उनके लिए दुआएं करनी है। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। घर पे ईद का त्यौहार खुशियों के साथ मनाइए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत, नमस्कार।